दो साल के भाई की लाश लेकर भटकता रहा मासूम, बागपत में नहीं मिली एम्बुलेंस, पिता थक गया तो 10 साल के बेटे को थमाया सब। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूपी का हेल्थ सिस्टम बीमार हो गया है। बागपत और देवरिया के दो वीडियो इसकी तस्दीक करते हैं। बागपत में पोस्टमार्टम के बाद 2 साल के बेटे की लाश पिता को सौंप दी गई। उन्होंने एम्बुलेंस देने को कहा तो किसी ने सुनवाई नहीं की। पहले पिता, इसके बाद बच्चा गोद में लाश लेकर 1 घंटे तक इधर उधर भटकते रहे। दूसरा वीडियो देवरिया का है, जिसमें जिला अस्पताल में बुजुर्ग माँ के लिए एक युवक का स्ट्रेचर नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ की मौत हो गई है। तो चलिए पहले बागपत और फिर देवरिया की पूरी घटना बताते हैं। बागपत में शुक्रवार को गुस्से में एक माँ ने अपने बेटे को सड़क पर फेंक दिया था। कार के नीचे आने से 2 साल के बेटे की मौत हो गई थी। शनिवार को पोस्टमार्टम करके सब पिता को सौंप दिया गया। पिता प्रवीण ने एम्बुलेंस देने को कहा तो किसी ने नहीं सुनी। बेबस पिता बच्चे का सब गोद में लेकर पैदल ही चल दिया। थोड़ी देर में जब वह थक गया तो उसने अपने बड़े बेटे को हाथ में सब थमा दिया। पिता प्रवीण ने कहा, बेटे की मौत की खबर सुनकर मैं राजस्थान से आया था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, यहाँ अस्पताल में भी खर्चा हो गया, प्राइवेट वाहन वाले 1000 रुपए से ज्यादा मांग रहे थे, मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं थे, मैंने स्वास्थ्य कर्मियों से सब ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगी थी लेकिन नहीं मिली, इसलिए सबको पैदल लेकर जा रहा था, 1 घंटे बाद हम लोगों को सब वाहन दिया गया। वहीं सीएमओ दिनेश शर्मा ने कहा, परिवार को कुछ देर रुकने के लिए कहा गया था, देरी होने पर परिवार सब लेकर बाहर आ गया। सीएमएस को जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने सब वाहन का इंतजाम कर दिया। देरी होने का कारण पता लगवाया जा रहा है। अब बात करते हैं देवरिया की। देवरिया में युवक बोला, मां मरने वाली है पर स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। दूसरा वीडियो देवरिया जिला अस्पताल का है, जिसमें एक बेटा अपनी बुजुर्ग मां को कंधे पर उठाकर घूम रहा है। वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इमरजेंसी केस है, रेफर केस है पर स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। 2 स्ट्रेचर खाली है पर 1 भी स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। माँ मरने वाली है पर स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। देखिए इनकी हालत, यह देवरिया हॉस्पिटल की यह कहानी। देखिए इनकी हालत, यह देवरिया हॉस्पिटल की यही कहानी है। देखिए, मांगते रह गए पर स्ट्रेचर नहीं मिला है। ये अंकल जी हैं, इन्होंने भी स्ट्रेचर नहीं दिया है। 2 स्ट्रेचर हैं पर स्ट्रेचर नहीं दिया गया। आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस देवरिया का पूरा नक्शा बदल जाए। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर HK मिश्रा ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। युवक की बुजुर्ग माँ 20 अगस्त को एडमिट हुई थी, 21 को डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। इस बीच परिजन शहर के किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, वहाँ से डॉक्टरों ने लौटा दिया। इसी बीच बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला के सब को ले जाने के लिए सब वाहन की भी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन माँ की मौत से नाराज युवक वीडियो बनाकर झूठे आरोप लगाने लगा। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।